नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। रुक करते खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों में जूते चप्पल पहनाकर जिले में चरण पादुका योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा रायसेन जिले में लघु वनोपज सहकारी समिति खरबई, नकतरा, देवनगर और गौरतगंज से मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना 2023 का शुभारंभ किया गया, जहां आयोजित कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी द्वारा योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों में जूते चप्पल पहनाते हुए अन्य सामग्री भी वितरित की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उपस्थित तेंदुपत्ता संग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहक बहनों भाइयों को साड़ी, जूते, पानी की कुप्पी और छाता प्रदान किया जा रहा है, जिससे इनका जीवन सरल होगा। जूते और सरकार के लिए जो हमारे लिए सोच रही है, नहीं तो अपन कोई भी सामान खरीदते बेचते एक बार में हो गया काम, मजदूरी करते, लेकिन सरकार ने देखा कि तेंदुपत्ता जब छुड़वाते हैं तब भी परिसर में देते हैं, पर सैकड़ा के हिसाब से देते हैं और उसके बाद बेचने में जो पैसा बचता है उसका ये सामान आप ही लोगों को सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश शासन के नर्मदा घाटी विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 8 सितंबर को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत पाथरी जलाशय का निरीक्षण किया और नहरों के सुधार कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नहरों के सुधार, सफाई और मरम्मत के लिए हड़ताल पर बैठे किसानों से चर्चा की, साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि नहरों के सुधार का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिससे किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए पानी सुगमता से पहुंच सकेगा। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधीक्षक युवराज वारखे, अन्य अधिकारी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एसपी मनीष खत्री, एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन एवं एसडीओपी रविंद्र बिलवाल व लहार थाना प्रभारी वरुण तिवारी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर लहार पुलिस ने शाहपुरा मोड़ पर पुलिस ने ब्रांडेड अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक एक आरोपी सहित पकड़ा है। शराब माफिया ब्रांडेड अंग्रेजी शराब खाद बीज की बिल्टी के नाम पर मेडिसिन के कार्टून में भरकर ट्रक के द्वारा राजस्थान की ओर से भिंड लेकर जा रहे थे। ट्रक में अंग्रेजी शराब की 604 पेटी बरामद की गई और जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम शाहपुरा रोड जो चेकिंग पॉइंट है वहां पर एक गुजरात पासिंग ट्रक को पकड़ा गया है, जिससे करीब 1 करोड़ रुपए कीमती अंग्रेजी शराब जो ब्रांडेड कंपनी की है उसको जब्त किया गया है और ट्रक को जब्त किया गया है, एक आरोपी पकड़ा गया है। उक्त शराब में वाहन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। उक्त मुखबिर सूचना के सटीक सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए जनता को ईवीएम का इस्तेमाल करने को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी कड़ी में 7 और 8 सितंबर को विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत साप्ताहिक हाट बाजार वाले गांव कांद्रीकला, सेवती और बेलगांव में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। इस दौरान मतदाताओं से मशीन में डमी मतदान भी कराया गया और उन्हें बताया गया कि इस मशीन से वे अपने पसंद के उम्मीदवार के कर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसको लेकर आज किसानों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस नेता भी किसानों का साथ देने पुरानी गल्ला मंडी पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में जमकर खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। तो
शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? पानी थाना जलावेन। क्या दिक्कत आ रही है? ये खाद लेने में बहुत ज्यादा समस्या है, किसी भी किसान को खाद नहीं मिल पा रहा। लाइन कब से लगाएं? लाइन सुबह 3 बजे से लाइन लगी है। आदमी किसी को नहीं मिल रहा? नहीं मिल पा रहा। क्या बोलो? इनके आदमी उनको तो मिल जाता है, बीपीए कार्यकर्ताओं को। कह रहे हैं जो अन्य पार्टी के लोग हैं, किसान हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रहा। पिछले कई दिनों से हम देख रहे किसान सुबह 4 बजे से लाइन लगाते, 4 बजे से लाइन लग जाती है। पर्ची का सिस्टम ये है कि 2-2 घंटे में 2-2 लोगों को किसानों को निपटाया जाता है। प्रशासन को ये चाहिए, किसानों को आजकल क्रूशियल पीरियड चल रहा है, तो उनको ये चाहिए कि यहाँ 4 काउंटर खोल के तत्काल निपटाएं, अपने लिए काम करें। तो सवेरे से मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से तो वहीं खड़ा हूँ, वकील साहब खड़े 2-2.5 घंटे से, कि अभी मुश्किल से 5-7 किसानों को पर्चियाँ दी गई, किसी को वापिस कर देते हैं कि तुम अभी पहले ले गए। कम वर्षा के चलते किसानों की फसल सूख चुकी है, जिसके चलते किसानों को फसलों का नुकसान हुआ। वहीं किसानों की फसल की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह किलौद जनपद पहुंचे, यहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर सभा ली और इसके बाद रैली निकालते हुए किसानों के साथ किलौद में कार्यालय पहुंचे और यहां पर राज्यपाल के नाम किसानों की फसल खराब होने के लिए सर्वे कर हुए नुकसान का हर्जाना दिलाने के लिए ज्ञापन दिया। इसके साथ ही किसानों को बिजली और उद्वंत सही योजना से पानी मिलने के लिए भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। तो किसानों को पानी की किल्लत हो रही है और इसके चलते राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही आपको बता दें कि किसानों के साथ किलौद पहुंचे हैं, जिसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। अपनी समस्याओं को लेकर लगातार किसान जो है अड़े हुए हैं। बीड सिंगाजी मार्ग पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की द्वारा रेलवे के ठेकेदार से बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत के अंडर ब्रिज में दरार पड़ गई, जिससे पानी निकलकर आ रहा है, जिसके बाद करोड़ों के निर्माण कार्य पर फिर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही पानी से अंडर ब्रिज तालाब बन जाता है, जिसके चलते लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस अंडर ब्रिज से निकलने वाले 7 गांव की जनता को करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी इस तालाब के अंदर से निकलना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। सिंगाजी जाने का प्रमुख मार्ग होने के कारण यहाँ का आवागमन बहुत होता है और आवागमन होने के कारण यह जो ब्रिज बनाया गया है, इसे अंडर ब्रिज बना दिया गया है, जबकि होना यह था कि इसे ऊपर वाला ब्रिज बनाना था, इसे अंडर ब्रिज बना दिया। खर्चा उतना ही हुआ है, लेकिन यह ब्रिज अब देखो क्या हाल है, जगह जगह से पानी निकल रहा है, लोगों को बहुत परेशानी जा रही है, लोग सब तकलीफ में हैं। और उसके बाद आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से उस अंडर ब्रिज में पानी आ रहा है और पुनासा के लोगों का यह कहना है, अभी तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यह पानी थोड़ा कम है, लेकिन उनका यह कहना है कि पूरा तालाब बन जाता है, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसको लेकर पहले से ही इसको सही करने की मांग की जा रही है। तो अंडर ब्रिज में जितना पैसा लगा उसको लेकर भी सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो करोड़ों के निर्माण से ये कार्य किया गया था और ये जो है पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरीके से यहां पर पानी आ रहा है और उसके बाद यहां की स्थिति का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तालाब जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है और ऐसे में आवाजाही बाधित हो जाती है। आवाजाही कैसे की जाए, जिसको लेकर लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है कि आखिरकार जो पैसा इसमें लगा है, करोड़ों का पैसा इसमें लगाया गया है, वो किस तरीके से लगाया गया, क्योंकि जो ब्रिज है उसकी खस्ता हालत है, पानी हर जगह से निकल रहा है, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो पुनासा के अंडरब्रिज की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पानी लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है और हर जगह से पानी की निकासी हो रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है संबंधित विभाग को, उसके बाद भी इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही। तो लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो अंडर ब्रिज में दराई आई है, जिसके बाद पानी की निकासी हो रही है।
तो सीधे ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर पत्रकार सगामम हो रहा है और वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है और वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। अपने प्रदेश भर से पधारे हुए पत्रकार मित्रों का इस समागम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रदेश की सरकार के दो ही लक्ष्य रहे हैं, एक मध्य प्रदेश का विकास और दूसरा समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न वर्गों का कल्याण और अनेकों कल्याणकारी योजनाएं समाज के अलग अलग वर्गों के भाई और बहनों के लिए प्रदेश सरकार ने बनाई है। मित्रों, मैं अच्छी तरह जानता हूं और केवल जानता नहीं हूं, अंदर से महसूस करता हूं कि पत्रकार मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हमारे पत्रकार मित्र दिनों रात परिश्रम करते हैं, अनेकों कठिनाइयों के बीच वो सही समाचार जनता तक पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं और आप ही हैं जो सत्ता को भी संभालने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मन में पत्रकार हो, मीडिया हो, उनके लिए बहुत आदर का स्थान है। कई दिनों से कई पत्रकार मित्रों से अनौपचारिक चर्चा होती रही है, मैं बाद में आपसे मिलकर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है मीडिया जगत के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में, भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था, वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसी ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है, सबके मन में ये ख्याल है कि वो पत्रकार भवन बने। वो पत्रकार भवन बने लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है, हम उसको बनाएंगे भी भवन और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए जिससे हमारी पत्रकारिता का काम आसान हो सके, तो पत्रकार भवन तत्काल ही हमने फैसला किया है कि उसके निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और स्टेट मीडिया सेंटर का वहां दर्जा देंगे, वहां बैठने की व्यवस्था, चर्चा करने का स्थान, लाइब्रेरी, कैंटीन और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, एक सभागार की व्यवस्था भी ठीक से उसको उन सब सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ाकर 27% 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतनी बढ़ी हुई, इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी, जो
बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त, वो राज्य सरकार बहन करने का काम करेगी ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। कई बार बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को भगवान ना करे वैसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है, कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं, और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1,00,000 रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई जरूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार की का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8,00,000 रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25,00,000 से बढ़ा के 30,00,000 रुपए की जाएगी ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा बहन किया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का भी सहयोग लिया जाएगा और इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग ही करेगा। एक बात और मेरे मन में है, पिछले दिनों भोपाल में हमने 2 पत्रकार कॉलोनी बनाई, उनके लिए जमीन आवंटित की थी। मैं जहाँ जाता हूँ जिला स्थानों पर भी और स्थानों पर भी पत्रकार मित्र मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि पत्रकारों के लिए कहीं जमीन का आवंटन हो जाए या कोई कॉलोनी की व्यवस्था हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण कुछ कठिनाइयाँ बीच में आई है, लेकिन हम रास्ता निकाल कर जहाँ ऐसी हमारी सोसाइटी है उनको, पत्रकारों को, सोसाइटी को जमीन देने की हम व्यवस्था करेंगे। उसके लीगल जो भी रास्ता होगा वो निकाल के, ताकि भोपाल जैसी बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है धीरे धीरे पत्रकारों के मकान एक कॉलोनी में बनाने की व्यवस्था की जा सके।
और एक बात और मैं कह दूं अंत में, फिर हम लोग अनौपचारिक चर्चा करेंगे, मिलेंगे, कि इस चुनाव के बाद भी हम ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब चीजें पहले ही पूरी कर दूंगा मैं, और बाद में भी इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। एक बार मैं फिर आप सब मित्रों का, पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, और अभी मैं अनौपचारिक चर्चा के लिए आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तो सीएम आवास पर यह कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें कि भोपाल में यह कार्यक्रम किया गया जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, और पत्रकार समागम में प्रदेश के पत्रकारों के हित में अनेक घोषणाएं की हैं। उनकी घोषणा के अनुसार भोपाल में पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन जल्द ही किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि पत्रकारों की श्रद्धा निधि में भी वृद्धि की जाएगी, और साथ ही बीमा प्रीमियम राशि भी बीते साल के बराबर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवास कर्ज की सीमा को 30 लाख तक बढ़ाया जाएगा और उनके सम्मान निधि को बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाएगा, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी की राशि सरकार वहन करेगी। मालवीय नगर भोपाल में पत्रकार भवन को नए स्वरूप में बनाएंगे और उसे स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में भी बनाया जाएगा। साथ ही पत्रकारों के बैठने और चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए बनाई जाने वाली कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम ने ये बड़ी घोषणाएं बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार भरेगी। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ जी। दिलजीत तू जानता ही नहीं, हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। दिलजीत एक सेल्फी तो बनती है ना। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में जो आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वो वाकई में हमारे दिलों को झकझोरने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में आधी आबादी की आबरू तार तार हो रही है, पहाड़ियां और घाटी सुलग रही हैं। एक तरफ सरकार इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रही है, मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस आग को भड़काने में लगे हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे जंगल में लगी आग में एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी याद दिला दी। एक बार एक जंगल में आग लग गई, जंगल के सभी जानवरों में भगदड़ अफरा तफरी मच गई, सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।
लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया वहां से भागने की बजाय अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी भरकर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक उल्लू चिल्ला चिल्लाकर जानवरों को डराने में लगा था। इस दौरान उसने देखा कि सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन ये नन्ही सी चिड़िया उसे नजरअंदाज कर लगातार चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में लगी थी। ये देखकर उसने चिड़िया से सवाल किया, अरे बावली, तू बेकार में ही आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। तू जानती है इस आग को बुझाना तेरे अकेले के बस की बात नहीं है, फिर क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? चिड़िया ने बेहद प्यारे अंदाज में कहा, सवाल ये नहीं है कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी या नहीं, बात यह है कि जब भी इस आग को बुझाने वालों की चर्चा होगी उसमें मेरा नाम पहले नंबर पर होगा, ना कि तुम जैसे तमाशा देखने वालों का। दोस्तों, इस नन्ही सी चिड़िया की तरह हमें भी किसी विपत्ति के समय तमाशबीन बनने की बजाय यथासंभव सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करने चाहिए, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, हमारे घर के बराबर में तुम्हारा भी घर है। नमस्कार। सीएम मनोहर लाल ने हिसार जिले के नानोट क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से खराब हुई फसलों की किरदावारी के मूल्यांकन के करने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी खराब हुई फसल की भरपाई होगी। सीएम शुक्रवार को गांव उगालन में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। सीएम के समक्ष क्षेत्र के किसानों में बारिश नहीं हुई है और उनकी फसल सूख गई है। सीएम ने राजस्व विभाग को गिरदावरी कर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं और कहा कि फसल खराब है तो इसकी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उसके उन्हें इसके क्लेम में भी शामिल करवाया जाएगा और जिन किसानों की फसल का बीमा नहीं है उन्हें खराब फसल का मुआवजा सरकार देगी। बिना समझता ना समझ लो, कभी कभी क्या वो मंदी बात क्या कर देते हैं, मुझे उसको कभी कभी महसूस भी होता है, लेकिन मैं समझ लूंगी समझ इतनी है तो मैं क्या उसको महसूस करूंगा। कभी कभी कह देते हैं इसको क्या पता, इसको तो बनवा ही नहीं है। ये मेरा स्वरूप है, सबकी चिंता है। गरीब होंगे उसके हिसाब से, बेरोजगार होंगे उसके हिसाब से, और किसी की जरूरत है उसके हिसाब से, सबके हिसाब से काम करते हैं। आखिर व्यवस्था अच्छी की, कोई किसी का अधिकार ना छीन ले जाए, नहीं तो मेरा मेरा घर मेरा परिवार यही लगे रहते थे। जो सामान आया उसी को टीका लगा दिया। हमने कहा नहीं, नौकरी भी देंगे तो उसको मेरिट पर देंगे, मिशन मेरिट के हिसाब से। जब पढ़े लिखेगा वैसे शुरू करता हूं, फिर राष्ट्रीय डिमांड से इसकी बात विक्रम आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जमाना बदल गया। पहले बातें केवल जवानी जवानी होती थी, लिख पढ़ कागज में फाइल में चली जाती थी, महीनों घूमती रहती थी, पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब जमाना आईटी का जमाना आ गया है। कितनी बात के लिए कहा चल चंडीगढ़ गाड़ी करो, किसी दलाल को पकड़ो, किसी एजेंट के माध्यम से काम करा के लाओ, उसको पैसा पूछो, उसको पूछो। अब सारे काम हमने खत्म कर दिए। अब किसी आदमी को फालतू में बहुत बड़ा कोई काम हो तो जाओ, किसी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जैसे विधायक जी कह रहे थे, हालांकि विधायक तो शायद उनको लगता होगा हमारी तो सारी पावर खत्म हो रही है, लेकिन विधायकों के काम करने के लिए बहुत काम है। अभी बाकी ये लोगों से घिरे रहते थे, बाकी काम करते नहीं थे, क्योंकि हम घिरे रहते थे। अब घिरने की बजाय भाई कंप्यूटर उठाओ, अपना सेंटर पर जाओ, कहीं अपनी डिमांड भर दो, एप्लीकेशन डाल दो, डिपार्टमेंट अच्छी भी पहुंच जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हिसार के गांव गुराना में दिव्यांगों को बैटरी चलित वाहन का तोहफा दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने उनकी समस्या है उनको भी उनके सामने रखा। वहीं आपको बता दें कि गुराना में ही रहने वाला एक दिव्यांग युवक किसी कारण से चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा था। जब सीएम का गुराना आगमन हुआ तो उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग अमन और उसके एक अन्य साथी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैटरी चालित वाहन का तोहफा दिया है। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वह गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वह उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के टाउन या शहर जा सकेगा और अपना भविष्य बना सकेगा। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, ये उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं, बहुत बड़ी मदद होगी। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गाँव के बाहर तो पढ़ने जा ही नहीं सकता था।